वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BSC IT के क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि पेपर है और सब्जेक्ट कोड है 5372702। ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है, जो कि 2.5 घंटे पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपको पांच क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपके सब क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन, जिसमें कि देखिए आपको क्या पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी थ्री द फॉलोइंग, मतलब आपको कितना सिक्स आपको सिक्स क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, और उसमें से आपको थ्री क्वेश्चन ही अटेंड करने रहेंगे TY BSC IT में। ठीक है, ये आपका फिफ्थ सेम का इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका इसके पहले एग्जाम में आया हुआ था। तो इसमें एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक्सप्लेन, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। ये IMP, वेरी IMP क्वेश्चन है साथियों, जिसमें कि ये हर बार पूछा गया है, और ये आता ही है कि अगर आपका IT सब्जेक्ट इंटरनेट IoT सब्जेक्ट है तो उसके बारे में पूछेगा ही। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट अ नोट कैम एंड एम्बिएंट टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बेस्ट है, जिसमें आपको आ सकता है, आने के चांसेस भी हैं। थर्ड क्या है, व्हाट इज द मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा गया है मैक के बारे में, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। और थर्ड फोर्थ क्या है, डिस्कस द इशू ऑफ प्राइवेसी ऑफ द इंटरनेट थिंग। ये भी क्या है, इंटरनेट थिंग के प्राइवेसी क्या है, उसके इशू क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन द वर्किंग IP प्रोटोकॉल्स, IP प्रोटोकॉल्स अगर दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये भी हमारा क्वेश्चन अच्छा ही है, जो कि पूछने का चांसेस है। और ये आपका जो F है, व्हाट इज द DNS, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्विस सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो है टोटल सिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कि आपको थ्री क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसमें कि आपको मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन। क्या रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, कितने 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन। तो आप तीन क्वेश्चन करोगे, जिसमें तीन क्वेश्चन करने पर आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। ठीक है, और आपको नहीं आता है तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिखिए, अगर ऐसे ब्लैंक पेपर्स को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ब्लैंक पेपर छोड़ेंगे तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो भी रहता है वो आपको कुछ न एक दो मार्क्स तो मिलेगा ही है, मिलेगा। तो आप कुछ भी लिखिए, बट एक बार अगर आपको नहीं आता है तो आप लिखिए, उससे रिलेटेड लिखिए, बट क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िएगा, ये मेरा कहना है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें भी क्या है, सेम है, आपको सिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको थ्री क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द नोट ऑफ स्केचिंग, स्केचिंग क्या है उसके बारे में हमको लिखना है, उसके बारे में हमको बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर आप में है तो आप उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में दो या तीन डिफरेंशिएशन पूछता ही है। तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या है, उसके बारे में उनका अंतर बताना है, ये आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। थर्ड क्या है कि राइट राइट नोट ऑफ सेंसर एंड एक्यूलेटर्स, एक्यूलेटर्स क्या होता है और सेंसर्स क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है कि सेंसर्स क्या होता है और एक्यूलेटर क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है कि रास्पबेरी पाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रास्पबेरी पाई क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा, रास्पबेरी पाई को, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ई पांचवा क्या है कि डिस्कस द फैक्टर ऑफ द सुल्ट द कंडीशन व्हेन द डिक्लेनिंग द बिल्ड ऑफ इंटरनेट थिंग डिवाइस। जब आप इंटरनेट थिंग डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, कल तो उसको डिक्लाइन करने के लिए हमें जो कंडीशन सॉरी कंसीडर करते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में हमको बताना है। और हमारा लास्ट है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ओपन सोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ओपन सोर्स का डिसएडवांटेज क्या है,
उसके हानि क्या है उसके बारे में बताना है आपको। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन का सब क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे साथियों, और आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे जो कि 15 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है अटेम्प्ट एनी थ्री, इसमें भी सेम क्वेश्चन रहेंगे आपको। डिस्कस द मेथड ऑफ द 3D पेंटिंग, 3D पेंटिंग क्या है उसके बारे में आपको बताना है कि 3D पेंटिंग क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, वो कैसे होता है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नोट ऑन लेजर कटिंग, लेजर कटिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है लेजर कटिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है हर बार, तो आपको बताना है कि लेजर कटिंग क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्लेन द टर्म स्क्रिपिंग के टर्म क्या होते हैं, उसके कंडीशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द पोलिंग, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ, अगर आपको ब्रीफ में दिया गया है तो पोलिंग क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके कार्य के जो एडवांटेज है वो क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है। मतलब कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राइट द नोट ऑन MQQT प्रोटोकॉल्स, MQQ प्रोटोकॉल्स क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द CNC मिलिंग्स, CNC मिलिंग्स एक्सप्लेन, CNC मिलिंग्स क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फोर्थ में भी सेम कंडीशन है, आपको 6 क्वेश्चन दे रहेंगे जिसमें से आपको 3 करने रहेंगे, जिसमें कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज के टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उनके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द डिबगिंग ऑफ इंटरनेट थिंग्स डिवाइस एक्सप्लेन, डिबगिंग इंटरनेट IoT के जो कि डिबगिंग क्या होते हैं, डिवाइस क्या होते हैं उनके बारे में हमको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट राइट नोट अ लॉन्ग टेल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जो लॉन्ग टेल है उनके बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द बिजनेस मॉडल कन्वेस ऑफ IoT, IoT के मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बिजनेस मॉडल कन्वेस क्या होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करके लिखना है। एंड नेक्स्ट है वो एक्सप्लेन हाउ टू अचीव कस्टमाइजेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, इंटरनेट थिंग डिवाइस की कस्टमाइज क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या है उसके टर्म्स क्या है वो हमको बताना है, उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो ज़रूर आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, ब्लैंक्स पेपर मत छोड़िएगा, कुछ भी उससे रिलेटेड जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का रहता है, वो भी 3 क्वेश्चन करना रहते हैं। व्हाट इज द क्राउड सोर्सिंग एक्सप्लेन, क्राउड सोर्सिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है द डिस्कशन द डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल इशू ऑन IoT थिंग्स, इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या होते हैं और इंटरनेट थिंग्स क्या होता है, ये दोनों का क्या लिखना है अंतर लिखना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी डिफरेंसिएशन है या डिफरेंस है सबको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो पूछता ही है हर पेपर्स में। नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन द कॉमन कॉमन PCB प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड्स मार्केट मेकिंग टेक्निक्स, ये क्या होता है इसको हम लोग को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द फेज ऑफ टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IoT डिवाइस, IoT डिवाइस के टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्ट गाइडलाइंस टू डील विद द इशू ऑफ द सिक्योरिटी इन IoT थिंग्स, IoT थिंग्स मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिक्योरिटी इशूज़ क्या होते हैं, उनके गाइडलाइंस क्या होते हैं, ये उनको महत्वपूर्णता आपको बतानी है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द मेन गोल ऑफ ओपन इंटरनेट ऑफ द थिंग डेफिनेशन ऐप, ओपन इंटरनेट थिंग डेफिनेशन के गोल्स क्या है उसके बारे में हमको डिस्कस करना और बताना है। तो ये वीडियो था हमारा आज का सब्जेक्ट का IoT का, ठीक है। IoT का पेपर था उसके बारे में हम इसके बारे में हम आपको फिर से आप नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो कोई भी नया अपडेट अगर TYBSC के IT के तरफ से आता है तो हम आपको आप जिसे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।